हाँ, बस दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें भी अपना घर दे, बस अल्लाह करे मेरा ये कुछ बन जाए ना इसमें। और आपको मैं एक चीज दिखाऊं, ये देखें, ये चिड़ियों वाला घर है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ नया व्लॉग, और आज का मौसम आप चेक करें कितना ज़बरदस्त हो रहा है मौसम। अभी जब मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो यहाँ बाहर ना बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा था, अभी तो ये काफ़ी चेंज हो गया। उस वक्त इतना ऑरेंज कलर यहाँ पर ज़ाहिर हो रहा था जैसे बिल्कुल गर्दा गर्दा सा है ना। तो आज इम्कान है कि बारिश हो जाएगी, वरना गर्मी बहुत बढ़ रही। तो मुझे तो वैसे भी सर्दियाँ ज़्यादा पसंद हैं बनिस्बत गर्मियों के। तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं और लगता है सही करके आज बारिश आने वाली है। और इसके अलावा बच्चों ने अभी स्कूल जाना है, उनका पेपर है। तो अनाबिया के दो पेपर हैं, अरशमान का एक पेपर है। तो बस अभी मैं उनको उठाती हूँ कि उठ के थोड़ा सा तैयारी कर लें, क्योंकि इस टाइम 5:30 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना तैयारी कर लें, दोहरा लें, क्योंकि सुबह का जो दोहराया हुआ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो याद रहता है हमेशा। तो हमें भी अपने वालदैन सुबह उठा के पढ़ाया करते होते थे कि जी सुबह ज़रूर उठ के दोहराया करें अपना सबक। तो बस अब मैं भी इनको यही कहती हूँ कि सुबह उठ के अपना सबक दोबारा दोहराया करो, ताकि आप लोगों को वो अच्छे से सबक याद रहे। तो बस अभी सो रहे हैं, मैं उनको जाके जगाती हूँ कि आप लोग उठो, और मैं बस बाकी काम कर लेती हूँ। फिर मैंने नाश्ता बनाना है और बस यही काम है। हाँ जी अरशमान, हाय। ये ना ठंडी ठंडी जगह अरशमान को लगी है, तो अरशमान इधर आके लेट गया जी। उठ जाओ बेटा, आपको कैसे जाग आ गई है? चलो उठ जाओ। अरशमान, आपको गर्मी ज़्यादा पसंद है या सर्दी? सर्दी। गर्मी नहीं पसंद? पसंद है? नहीं, सर्दी। ये जो आग उस दिन लगी थी उससे इस दरख्त पे भी इतना असर हुआ था इसका धुआं कि ये यहाँ तक झुलस गया दरख्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बेटी? चलो आ जाओ बेटी, आज स्कूल से पढ़ के जल्दी आ गई है। हमदा का बैग बहुत प्यारा है भाई, और जो हमदा की यूनिफॉर्म है जबरदस्त यूनिफॉर्म लग रही है हमदा की। अच्छा लिखा है। हाँ जी, नहीं इसकी राइटिंग अच्छी है। हमदा को इतना अजीब लग रहा है, नानो पढ़ रही है। One hour later. ये देखें बच्चे स्कूल से आए और ऐसे ही फेंक दी हर चीज। हाँ, किस चीज का बॉक्स दिखाना जरा? I don't know what's inside. कैसे खोलते हैं? ये कौन सी मन पसंद स्वीट्स एंड बेकर्स डिपार्टमेंटल स्टोर? ये यहाँ से ओपन है बेटा। हाँ, नाम से ये केक रस होंगे यकीनन। Yes, you're right. बेटा, sorry. सारा बॉक्स ही आपने फाड़ दिया है। तो बॉक्स करना ही क्या था हमने? ये आपके बाबा लेकर आए हैं अभी, आप लोग केक रस ही खाते रहो सुबह शाम। देखा? Oh my gosh. इतने केक रस ढेर सारे। ये खाएगा कौन? ये ना भी खाएगी। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? हवा को दिल भर गया? इनकी वो रसमलाई बना के खाएं। चलो जी, अब शुरू हो गया चाय का टाइम। मैं चाय बनाकर लेकर आई हूँ। आज हमने चाय इसलिए बनाई क्योंकि केक रस थे, तो हमने कहा चलो चाय के साथ नोश फरमाए जाए, क्योंकि केक रस का मज़ा ही चाय के साथ आता है। और अनाबिया और शमान के तो मोस्ट फेवरेट हैं, बस इनका दिल करता है केक रस हों और हम खाते जाएं और खाते जाएं साथ चाय के साथ। नानक दाई आई नहीं है। चलो जी, अब चाय पी लें फिर आपसे मिलते हैं। आज मौसम इतना मज़े का हो रहा है, तो अभी मैं और अम्मी निकले हैं मार्केट के लिए। वो देखे ज़रा ऊपर परिंदे कैसे जा रहे हैं। पूरा उसको क्या कहते हैं, ग्रुप जैसे निकला है ना परिंदों का। देखें आसमान पर काले बादल हैं, अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है।
चले नहीं, फिर हम तो बाहर निकल आए हैं, मौसम अच्छा है। हाँ इसके साथ देखे आम लगे, जबरदस्त आम लग रहा है ये देखिए किधर। हाँ वो भी है, वो देखें उसमें उल्टा ज्यादा है। ये देखें आम दिखाती हूँ आपको, ये देखें। अच्छा वॉक करते करते हम इस तरफ आए हैं तो इस तरफ भी एक पार्क है। ये सब पार्क ना हमारे बाद बने हैं, पहले नहीं थे यहाँ पर, और अब तो इसमें काफी सारे पार्क हो गए। हाँ ये भी नया बन रहा है मकान, सल्ला नसीब करे जिन जिन के हैं, और जिनके नहीं हैं उनको अल्लाह दे। जी अभी ये अम्मी एक और घर मैंने आपको पीछे दिखाया नहीं है, उस साइड पे ना, उस घर पे उन्होंने बिजली की तारे लगाई हैं कि करंट लग सकता है जो ऊपर से टापेगा। अच्छा वो ना भाई, हाँ इसको मत छेड़े, करंट लग सकता है। ये देखो ये कितना जबरदस्त घर बना हुआ है, और इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा है, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है इसका। हाँ। ये देखे ना, अरे ये अभी बन रहा है, बन रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत आला माशाल्लाह। आज तो वॉक का मजा ही कुछ और है, शुक्र है बाहर निकले, नहीं तो हमें टाइम ही नहीं होता कि बाहर निकले। कि जी यहाँ पर ये देखें फूलों का बगीचा बना हुआ है, सही बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। आमीन आमीन। ये भी घर प्यारा बना हुआ है, मैं तो आज घर ही देख देख के कितने आला शानदार घर बने हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, डेरा हाउस अब कंस्ट्रक्शन बहुत शुरू हो गई है, बहुत ही ज्यादा। ये भी मुझे लगता है कोठी अभी बनी है। हाँ, ये इतनी शानदार बनी है ना। हाँ नहीं सारा लोगों को ना अच्छा मिल गया, बस दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें भी अपना घर दे। बस अल्लाह करे मेरा ये कुछ बन जाए ना इसमें। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें ये चिड़ियों वाला घर है, ये देखें ना इसके ऊपर उड़ रही हैं यहाँ से, और ये चिड़ियों का घर बना हुआ है, और ये इसी में रहती हैं और फिर आती जाती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है चिड़ियों वाला घर, इन्होंने ना पाली हुई हैं चिड़ियाँ, करीब से दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितनी जबरदस्त है, जब देखो यहाँ मजमा लगा हुआ था चिड़ियों का। ये देखो इंजीर कितने मजे की, ये देखे ये इंजीर का पौधा ऐसे होता है, मैं तो आज पहली दफा देख रही हूँ। हमने भी लगाई है, आप लोगों ने लगाई अभी? हाँ घर में लगी, उसके साथ ही तीन चार लगे। अच्छा ये भी लोग कहते काफी ला रहा है। हाँ अंजीर का पौधा वाकई ये भी है। हाँ। काफी लोगों ने, जाहिर ही बात है फिर। ओ फरजमान आपकी इस नकसीर ने बड़ा तंग किया हुआ है, दिखाओ जाओ जल्दी से, हो क्या हो वॉशरूम से पानी डालो, पानी इधर दूसरे आ रहे रोते हुए, इनके पेपर्स जो हो रहे हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और ये है बॉटल, ये बड़ी जबरदस्त बॉटल है कार यूज के लिए। तो कल अबू लोगों ने जाना है गाँव, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें ठंडा पानी भर कर फ्रिज में रख दूँ। अच्छा ये जो बॉटल है ना ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसका एक तो ये है कि ये ऊपर से है पानी पीने के लिए, यानी कि आप यहाँ से पानी पी सकते। इसके अलावा इसका ढक्कन यूं करके ओपन हो जाता है,
ये देखिए ये ओपन हो जाएगा और ये से और ये देखिए ये से और इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लीटर तक पानी इसमें आ जाता है। तो ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कार यूज़ के लिए और इसका साथ हैंडल भी है पकड़ने के लिए, यानी कि आप पिकनिक पे भी जाएं तो आप ये वाली बॉटल यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और जामी शीन डाल लेते हैं इसके अंदर क्योंकि फिर रास्ते पे प्यास लगती है। तो मैंने सोचा चलो मैं जामी श्री बना के रख दूँ इसको। परफेक्ट, ये रेडी हो गए हैं। तो इसको मैंने रेडी कर लिया है तो बस मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह तक ये पानी अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा। अभी खाना खाना खा तो मैं अभी बाहर आई हूँ और बाहर इतने मज़े की हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का मौसम हुआ है, अल्लाह की शान है, बहुत ज़बरदस्त। और बारिश जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है और फिर बंद हो गई है। आज जो हवा चल रही है ना, आज की रात है ठंडी नो गर्मी, मज़ा आ जाएगा। बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान पर, बहुत मज़े की हवा चल रही है, दिल कर रहा है बस बाहर ही बैठे रहो। लेकिन अभी बस नमाज का टाइम हो चुका है तो मैं बस अभी नमाज पढ़ने लगी हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा थोड़ा सा बाहर देख लूँ कि कैसा मौसम हो रहा है। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।